जी सर, आज हॉस्पिटल में निरीक्षण किया गया है, क्या है मामला? हॉस्पिटल में जनरल व्यवस्था देखने के लिए एक बार निरीक्षण किया है, जिसमें एडीएम साहब और सीएमएचओ साहब और सिविल सर्जन साहब के साथ हैं और पीडब्ल्यूडी और ईएनएम सभी लोग का संयुक्त रूप में एक बार भ्रमण हुआ है, जिसमें कुछ जो सेगमेंट ऑफ दी बिल्डिंग में दरार का सिचुएशन है। ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी ने एनफोर्समेंट कर लिया है, बट फिर भी थोड़ा सा उसमें दिख रहा है, तो उसको भी हम कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में अभी निर्देश दिए गए हैं। एट द सेम टाइम क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी पुराना है, तो हम शासन से ये रिक्वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी हमने एक चिट्ठी के माध्यम से हमने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि वो फाइनेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व है, बट कम से कम उसमें कुछ प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा, क्योंकि ये 1936 का बिल्डिंग है, तो नया बिल्डिंग अगर इसमें दो या तीन फ्लोर का अगर आ जाएगा तो इसी जगह में सदुपयोग भी होगा और एट द सेम टाइम नया बिल्डिंग आ जाएगा तो इसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में ठीक ठाक होगा। तो एक चीज़ है इसका मरम्मत, जो इनका संपूर्ण कायाकल्प अभियान के तहत ऑलरेडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें काम शुरू कर दिया है, इसमें वाटर प्रूफिंग का काम भी चल रहा है और अन्य काम भी टेकअप कर लिए हैं, बट धीरे धीरे उसको करेंगे साथों साथ, क्योंकि ये बहुत पुराना बिल्डिंग है तो उसको नवीन बिल्डिंग के लिए भी हम प्रयासरत हैं। हम जो माननीय जनप्रतिनिधि निगम से भी रिक्वेस्ट करेंगे और उनके माध्यम से भी और शासन के माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि इसको जितना जल्दी हो सके कि नया बिल्डिंग का। भरौली में छोटे छोटे बच्चों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है स्कूल न खुलने को लेकर, मध्यम भोजन बनने को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? ये आपके माध्यम से अभी मुझे ये जानकारी प्राप्त हुआ है, अगर ये इसको जांच करेंगे, अगर ये सत्य पाया गया है तो इमिडिएटली हम संबंधित जो प्रिंसिपल है उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे।